दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आप लोग आजकल थक गए होंगे ना घास काट के, तो फिर मैं आज ना एक रिफ्रेशिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। आजकल बहुत मक्कियाँ हो रही है खेत में और हम लोग आजकल मक्की ही निकाल रहे हैं। आप लोग भी निकाल ही रहे होंगे मक्की। ये देखो यहाँ पे, पहले तो इनको ढेर दिखा लो जो मैंने थोड़ा कम कर दिया है अब, क्योंकि मैंने कुछ एक छील दिया है। देखो यहाँ पे तो मैंने कुछ एक छील दी थी, कुछ दिनों से मैं इनको ही निकालने का काम कर रही हूँ। और कुछ एक यहाँ सूख रही है, कुछ एक हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिए, क्योंकि डेली डेली ना रियो इनको डेली डेली ढो रहा है कहीं ना कहीं को। कई दिनों से बहुत मक्की मक्की हो रही है। कुछ हम खा रहे हैं, कुछ भुट्टा खा रहे हैं और कुछ छील रहे हैं, कुछ सुखा रहे हैं आटा बनाने के लिए और गाय के लिए, बस यही सब कुछ चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मक्की की एक रेसिपी हो जाए। तो फिर मैं आई हूँ अभी फिलहाल, वैसे तो मैं ये छिलने आई थी, बट अभी मैं थोड़ी बहुत मक्की ले जाती हूँ यहाँ से, थोड़ी हरी हरी, और फिर मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करती हूँ मक्की की। वैसे तो ना जब मैं शिमला में होती थी तो मेरी बहन को ना ये कॉर्न चाट वगैरह खाना ना बड़ा पसंद था। वो मुझे भी ज़बरदस्ती खिलाती रहती थी, तो वहाँ पर तो अच्छे होते थे, बट उसने हमेशा खरीद के खिलाए हैं। आज मैं ना बनाऊँगी, ज़रा देखते हैं कैसे बनता है। तो फिर मैं एक तो ये हरी हरी सी मक्की ले जा रही हूँ यहाँ से, आई विश अच्छा ही बने। और हम थोड़ी सी बनाएंगे, पहले देखते हैं ना कि अच्छा बनेगा कि नहीं, फिर और ट्राई कर लेंगे। तो ये दो ले जाती हूँ हरी हरी। तो अभी किचन में आ गई हूँ और मैंने ये थाली ली है जिसमें मैंने मक्की के दाने निकालने हैं। और ये मैं मक्की छील रही हूँ, और इस छिलके को ना मैं वैसे छत पर ही निकाल के आ सकती थी, बट पता नहीं मैंने ये क्यों लिया है किचन में। और ये स्टार्ट किया मैंने मक्की के दाने निकालना, बट मैंने सोचा था इजी होगा, बट नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और बहुत मुश्किल से निकल रहे थे इसके दाने। अब दाने तो निकल गए हैं और अब हमें सबसे पहले मक्की को बॉईल करना है, मक्की के दानों को बॉईल करना है। और इसमें मैंने कुकर में डाल दिया है ये, और कम से कम इसमें 3 से 4 स्टीम्स तो लानी ही पड़ेगी हमें इसको बॉईल करने के लिए। और साथ ही साथ में मैंने इसमें ना नमक भी थोड़ा सा ऐड पहले ही कर दिया था। चलिए जी, शुरू करते हैं हम अपना कॉर्न रेसिपी। और जो हमने जो कॉर्न उबाले थे वो ये है। जैसे इसमें नमक पहले ऐड कर लिया था ना, तो नमक का टेस्ट भी आ रहा है। ये हमारा पैन। तो क्या है कि ऑब्वियसली मैं इतनी बड़ी शेफ तो हूँ नहीं कि मैं ये खुद से बना रही हूँ, नहीं या कुछ है ना कि खुद से कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ये जो रेसिपी है ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब पे ही देखी है, और मैं यूट्यूब पे ही डालूंगी ये। यूट्यूब में जहाँ पे मैंने ये रेसिपी देखी ना, मतलब 3-4 रेसिपी जो भी मैंने देखी थी उसमें ना उन्होंने बटर यूज़ किया था, क्योंकि बटर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बट पिछले कल ही मम्मी ने घी बनाया है हमारे, तो बटर का तो मैं क्या डालूं? एनी सजेशंस? कैमरामैन से पूछ रही हूँ मैं, क्या क्या डाल सकते हैं? ये कर रहा है तो ये तो इसमें डलेगा नहीं। तो क्या डालूं? तुम जानो, तुम शेफ हो, क्या डाल सकती हूँ यार। एक्चुअली बटर में पिछले कल ही मम्मी ने रात को घी बना दिया। तो इसी के साथ ये वीडियो कट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज को क्या बताऊं, क्या डालूं? Approximately 10 hours later. तो बात ये है कि बटर नहीं है हमारे घर में, और बटर से ही इसका टेस्ट अच्छा आना था। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं पूछ रही हूँ उनसे, मिलाई डालू? मिलाई भी है थोड़ी सी, पर मिलाई ये मना कर रहे हैं डालने को। तो क्या डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं यार? कुछ नहीं डाल सकते, तो थोड़ा सा घी डाल देते हैं जस्ट मिक्स करने के लिए, है ना?
थोड़ा सा डाल लेंगे, घी का तो अलग टेस्ट होता है और बटर का अलग टेस्ट होता है। ये भी एक नई रेसिपी बन गई है। और अगर अच्छी नहीं हुई ना तो हम रिव्यू डालेंगे। जल गया है। अब सबसे पहले, वैसे तो इसमें बटर डलता है, मैंने घी डाला है, आप लोग बटर ही डालिएगा। अब हम डालेंगे इसमें ये कॉर्न्स, उबले हुए कॉर्न्स। मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत अच्छा बनेगा। आपके पास घर में अवेलेबल हो उसी से हर चीज बनाना सीखिए। ये तो हमारे पास चाट मसाला नहीं है, हम चाट मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है चाट मसाला। हमने इसमें नमक थोड़ा सा पहले ही डाल दिया था, अब हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे स्वाद अनुसार। और हाँ, नमक ये वाला ही ब्लैक नमक यूज करते हैं, बट हमारे घर में ब्लैक नमक नहीं, हम ये ही यूज कर रहे हैं। हमारे पास हरा धनिया भी नहीं है, इसलिए हम हरा धनिया भी नहीं डाल रहे हैं। ओके, कुछ है प्याज टमाटर तो सबके घर में होते हैं, ये रहे प्याज और टमाटर। मिर्च हमारे पास मिर्च पाउडर है, लेकिन मेरे घर पे कोई मिर्च ही नहीं खाता, तो वो इसलिए मिर्च नहीं डालती हूँ। नहीं, तुम बना क्या रहे हो चाट? ये कैसी चाट, मैंने पहली बार देखी जिसमें हम थोड़े से टमाटर। आपको नहीं पता, आप बस खाना और रिव्यू देना। टमाटर प्याज देखो सबके घर पे होते हैं, ठीक है। अब धनिया नहीं है इसलिए हम धनिया डाल रहे हैं। तो कल ही लकीली दीदी आए थे और वो अपना सामान पैक कर रहे थे, तो वो नहीं छोड़ना चाहते थे कोई भी चीज़ जो खराब हो जाए, इसलिए उन्होंने बुलाए थे। हम वो ही नींबू यूज करेंगे यहाँ पे, और ये डालेंगे नींबू, नहीं खीरा है, खीरा और नींबू। नींबू का है ये रहा नींबू, हमने गैस बंद कर दी है, मैं आपको बताना नहीं है। मैं पहले पहले बता रहा हूँ कि आपको बाहर डालना है। वो तो आपको टेस्ट करके ही पता चलेगा कि क्या बना ये। थोड़ा थोड़ा खाओ जरा। अच्छा विश्वास हो रहा है। क्यों बिना चाट मसाले के अच्छा बना? सच्चे ठीक बना? तो कौन चाट अच्छा बना था? और ये बिल्कुल ट्रू रिव्यू थे ना, बिल्कुल ट्रू रिव्यूज थे। तो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।